कर लीजिएगा क्योंकि वो नियर बाय सपोर्ट पे है। निफ्टी का सपोर्ट अभी 150 पॉइंट दूर है 18,500 का, तो आपको ना क्लियर पिक्चर नहीं देगा, बट बैंक निफ्टी अच्छी पिक्चर देगा। तो इसलिए क्लियरली बैंक निफ्टी को आज वॉच कीजिएगा, 44,000 के ऊपर खुल रहा है, ये ज़्यादा क्रिटिकल तरीके से आपको बता पाएगा। दूसरा पॉइंट है निफ्टी के अंदर आज जो टॉप लूजर्स बन रहे हैं ना, मैक्वारी की रिपोर्ट अभी आपने देखी, अशेषा ने आपको बताया, उसके दोनों बड़े कंटेंडर HDFC लाइफ और SBI लाइफ आज कमजोर खुल रहे हैं। आज पक्के शेयर्स में NTPC करीब 1% ऊपर खुल रहा है, हमने सुबह आपको इसके बारे में जानकारी भी दी थी। खैर, मार्केट ओपन हो रहा है, एडवांस डिक्लाइन 1000 के आसपास होगा, 1186 का नंबर इस बार आया है और 250 शेयर कमजोर है इस बार खुलते हुए दिख रहे हैं। 18,650 के आसपास निफ्टी की ओपनिंग है, बैंक निफ्टी 44,038 पे है, 51 पॉइंट की बढ़त वहाँ पे है, 13-14 पॉइंट की बढ़त वहाँ पे है और सेंसेक्स भी मामूली 15 पॉइंट के साथ ही ऊपर है। अगर आप देख रहे हैं पहली बार आपको फील ऐसा हो रहा होगा जिस निफ्टी ज़्यादा ठीक था लेकिन हम उतने बड़े गैप के साथ नहीं खुल रहे, ये पहली बार आपको फीलिंग आ रही होगी काफ़ी दिनों के बाद, और जो स्क्रीन रीडिंग करना जानते हैं उनको ये साफ से समझ में आ रहा होगा। खैर, मैं निफ्टी के टॉप लूजर्स और गेनर्स जल्दी जल्दी आपके स्क्रीन पर रखता हूँ। हीरो मोटोकॉर्प ऊपर आ रहा है, मानसून की सुबुगाहट आते ही, कॉस्ट प्रेशर कम होते ही, रूरल की चर्चा शुरू होते ही हीरो मोटोकॉर्प में थोड़ा बस आ जाता है, 1-1.5% ऊपर है। NTPC 0.5% ऊपर, पावरग्रिड, टाटा मोटर्स, अडानी एंटरप्राइजेस भी आज करीब 0.5% ऊपर शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा टाइटन के अंदर भी है आज शुरुआती बढ़त और डॉक्टर रेड्डीज भी 0.5% से ऊपर है। आते हैं कमजोर शेयर्स के अंदर, सिप्ला, HDFC लाइफ, SBI आज नीचे है। बैंकिंग काउंटर्स में दो बड़े कंटेंडर SBI और इंडसइंड बैंक आज ये नीचे हैं। IT का सपोर्ट जो कल आपको मिल रहा था थोड़ा, वो आज फिर से थोड़ा कम हो रहा है। इन्फोसिस आज आधे पर 1/4% नीचे है। इसके अलावा ITC, टाटा स्टील, ये 1/4% नीचे है। कुल मिला के मोटा मोटी बात ये है अभी तक की इस स्क्रीन देख के लगा वो ये कि 1200 प्लस शेयर एडवांसेस के अंदर और 416 शेयर डिक्लाइंस के अंदर हैं। इस बीच जो अजय आप ब्लॉक डील की बात बोल रहे थे, वो 1.6% के आसपास की डील है, करीब 6,000 वैल्यूएशन की, 1 करोड़ की डील है, वो कोटक की लग रही है। तो कोटक एक बार आपको दिखा देते हैं, अभी फ्लैट है लेकिन जैसे अजय आपको बता रहे थे 2-4 मिनट एक बार रुक जाइएगा, कूद के आना नहीं है, इस डील को कंपाइल हो जाने दीजिए, डायरेक्शन मिल जाएगी तब आप इसके अंदर उतरेगा। दूसरा बजिंग स्टॉक्स था IEX, एक बार जरा दिखाइएगा। IEX भी शुरुआत में करीब वो 6% नीचे था, अब वो 10% नीचे आ गया है। अभी एंटीक ने भी एक रिपोर्ट दी, 105 तक का कह रहा है वो टारगेट इसके अंदर पहुंच जाएगा, तो IEX भी एक कमजोर कैंडिडेट है। जल्दी से नेक्स्ट 50 वाले शेयर चेक कर लेते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। HDFC AMC कमजोर है आज, जनरल इंश्योरेंस कमजोर है, इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर्स के अंदर भी 0.5% के आसपास की आपको कमजोरी देखने को मिल रही है। आज जो मजबूत शेयर हैं इस नेक्स्ट 50 के अंदर वो दिखेंगे आपको ABB, बायकॉन, येस बैंक को एक मिनट के लिए छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए, टोटल गैस और ट्रांसमिशन DLF भी आज 0.5% ऊपर है। कमेंट्री अभी आपको प्रियंका थोड़ी देर पहले बता भी रही थी, पिरामिल एंटरप्राइजेस भी 0.5% ऊपर है। जब से जून सीरीज शुरू हुई है तब से पिरामिल के दोनों शेयर काफ़ी एक्टिव हैं, ये हमने आपको बताया भी था। 33 पॉइंट की बढ़त है, बाजार अपने शुरुआती झटके को थोड़ा डिस्काउंट करके अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं कितना चलता है। 1300 शेयर एडवांसेस के अंदर है, इसका मतलब बाजार का मूड और माहौल आज शुरुआत में तो ठीक लग रहा है। प्रियंका, छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है? बिल्कुल दिव्या, आज एक्चुअली सारे सेक्टर से शुरुआत तो अच्छी दिख रही है। थोड़े से मेटल्स हल्के एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स इस वक्त फ्लैट काम कर रहे हैं, लेकिन आप मिड कैप स्पेस में कई कुछ स्टॉक्स की आप बात कर रहे थे, नेक्स्ट 50 में भी जो थे ABB जैसे स्टॉक्स वहाँ पर मूव है, वरुण बेवरेजेस आपको फिर से वापस आते हुए दिखाई दे रहा है, वीगार्ड जैसे स्टॉक्स में, इंडियन होटल जैसे स्टॉक में आपको मूव दिख रही है, टाटा एलेक्सी लगातार चल रहा है वहाँ पर आपको मूव दिख रही है, फोर्टिस हेल्थ केयर और रियल एस्टेट में ब्रॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स हैं। तो कोई बहुत बड़ी मूव किसी ने, टाटा टेली में आपको 5% की मूव जरूर दिखाई दे रही है, अदरवाइज IEX के भी आपने बात की ही वहाँ पर प्रेशर है, और IT में भी सारा IT नहीं चल रहा, कुछ सेलेक्टिव टाटा एलेक्सी न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है वहाँ चल रहा है। परसिस्टेंट आप देखें मिड कैप IT में जो काफ़ी पसंदीदा है वहाँ पर 2% का इनफैक्ट डेंट है। PB फिनटेक पर कुछ अंडरवेट रिपोर्ट्स आई थी कल, उसका इम्पैक्ट आपको अब भी दिख रहा है, लगभग 1.5-2% की गिरावट आज यहाँ पर भी है। तो मेटल्स एक पैक है जहाँ से थोड़ी सी सॉफ्टनेस है, देखते हैं कि बाजार में रिकवरी आती है या फिर फर्दर और ये सेक्टर वीक होता है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ